नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव दो टीवी और आजाद बिहार। आज हमारी टीम पहुंच हुई है ग्राम पंचायत राज प्रोहा। यहां से हमारे साथ नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो काफी विकासशील है। मैं इनके बारे में क्या कहूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए मैं आपको ले चलूं सीधा मुखिया जी के पास और सुनते हैं इनके जवान इनकी कहानी। नमस्कार सर, अपना परिचय रखेंगे। मैं रघुराज सिंह, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज प्रोहा। आप सभी आदमी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कितने वार्डों का पंचायत है आपका? 12 वार्डों का पंचायत है। कौन कौन से रेवन्यू विलेज आते हैं आपके पंचायत में? मेरे यहाँ रेवन्यू विलेज है परसौनी, धर्मपुर, प्रोहा, परसपट्टी, रामपुर और गोसाईपुर। मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाता की संख्या लगभग 5500 है। इससे पहले जो आपका पंचायत है, ये किसी और पंचायत में थे? माधव रोशन पंचायत में थे। उसका 10 वार्ड चल गया नगर निगम में, 4 वार्ड हम लोग को मिला दिया गया प्रोहा में। प्रोहा का भी 7 वार्ड चल गया नगर निगम में, तो 4 वार्ड। मतलब दो पंचायत को काट कर दो पंचायत के आधा आधे भाग को नगर निगम में किया गया और बाकी हुए भाग को एक पंचायत बनाया गया। जी जी। कितने मत से विजय प्राप्त किए थे? 98 मत से बृहत विजय प्राप्त किए थे। राजनीति कब से कर रहे हैं आप? राजनीति कोई 1 साल से हम करीब कर रहे हैं, 1.5 साल 2 साल से। मतलब 2 सालों का रिजल्ट आपके सामने है। जी। क्या बेस थी आपकी राजनीति में आने के पीछे? क्या बोला? राजनीति में आने की बेस था हमारा कि हम लोग भी समाज सेवा करें, समाज सुधार करें, समाज का सेवा करने का मौका मिले, यही बेस था मेरा। जब आप पंचायती चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे थे तो क्या आप जनता के साथ वादा किए थे, क्या विश्वास लेकर उतरे थे? वादा किए थे, जो विश्वास वादा किए थे कि हम लोग विकास करेंगे, समानता रखेंगे, सबका मान सम्मान हो, यही वादा किए थे। जब आप पंचायत भ्रमण में थे पंचायत चुनाव में, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी? मेरे सामने समस्या तो कुछ नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो मैं कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पंचायत की समस्या के बारे में पूछ रहा हूँ। पंचायत में सबसे पहले मेरा समस्या आया था कि पंचायत में लाइट नहीं है, लाइट लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है, सबसे पहला समस्या यह आया। और दूसरा समस्या आया था कि जंगल जितना भी है तो कुछ चल रहा था और बंद था, यही समस्या। जब आप चुनाव जीत कर आए तो अब तक आपने क्या काम किया है? अभी तक हम लोग जंगल का मरम्मत करवाए हैं वार्ड मेंबर के मार्फत से, एजेंसी के पति से, एजेंसी के और लाइट है तो लाइट 3 साल के गारंटी में है, लेकिन उसका कोई लिखित अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, उसका कोई गारंटी वारंटी पेपर भी नहीं मिला है, इसलिए भी लाइट पर हम लोग कोई ध्यान आकर्षित नहीं किए है। और कोई विकास कार्य क्या क्या? विकास कार्य में अभी हम लोग 365 इंदिरा आवास आम सभा में पारित किया, जिसमें 113 का पेमेंट हम लोग करवा, 365 आपने नाम दर्ज करवाया जिसमें 113 का पेमेंट भी करवा, पेमेंट भी करवा दिया है। और शेष 15 अगस्त के बाद लक्ष्य आएगा, उसका भी पेमेंट करवाने के लिए हम लोग तत्पर है। आप क्या है जो लोग ऑनलाइन करते हैं, 15वीं से भी कोई वर्क किए होंगे? 15वीं से 13 गुना का जीर्णोद्धार किए हैं, उसके बाद 380 फीट PCC किए हैं, उसके बाद और पंजाबी से हम लोग छठ घाट का निर्माण करने जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर क्या है आपके पंचायत? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, अच्छी शिक्षा की स्थिति है, अच्छी है। हमारे चैनल के माध्यम से आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और इस बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अपन पंचायत में किस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं? हम लोग आज़ादी अमृत महोत्सव कल 13 तारीख को ही मनाए हैं, 100 झंडा लेकर के, और हम लोग पंचायत में भ्रमण करके लोगों के साथ जागरूक किया कि 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा हो, यही हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में क्या संदेश फैलाना चाहेंगे? लोग चाहेंगे कि आज़ादी अमृत महोत्सव मनावे, सौहार्दपूर्वक मनावे। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राम पंचायत राज प्रवासी मुखिया प्रतिनिधि, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है, विकास इनका एजेंडा है और पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर ले जाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और इन्होंने 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना अपने समस्त पंचायतवासी, प्रखंडवासी, जिलावासी को ही नहीं पूरे देशवासी को दिए हैं। देखते रहें संभव दूत, आजाद टीवी। धन्यवाद।